नमस्ते, मैं अर्चना आरती टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। समर सीजन शुरू होने के बाद मार्केट में कच्चे आम दिखने लगते हैं और तभी हमें क्या बनाने का मन करता है, आम पना। तो आज मैं आपको पने का कॉन्सेंट्रेट बताने वाली हूँ कि जो आप करके स्टोर कर सकते हैं आपके फ्रिज में, जब भी सीजन नहीं है तभी भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने 4 कच्चे आम लिए हैं और उन्हें कुकर में बॉइल करके लिया है और उसका छिलका निकाल दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको बड़े बाउल में मैश कर लेते हैं। कुकर में मैंने 3 सीटी ली थी। इसको अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि इसका पल्प हमें अच्छी तरह से मिल जाता है। ये जो बीच का हिस्सा है उसके ऊपर भी बहुत सारा पल्प होता है, तो हमने ये पल्प निकाल लिया है। एक बड़े मिक्सर जार में मैं ये पल्प डाल दूंगी। उसमें कई प्रकार के आम होते हैं, मैंने यहाँ पर तोतापुरी आम लिया है, आप दूसरा कौन सा भी आम ले सकते हो। अब इसमें जाएगा गुड़, जितना पल्प है उससे डबल गुड़ लेना है। आप शक्कर में भी कर सकते हैं, चीनी में, तो चीनी भी आपको डबल लेनी है। यहाँ पर मैंने 4 आम लिए थे, मतलब 1/4 किलो थे, तो मैंने उससे डबल मैंने 1/2 किलो मैंने गुड़ लिया है। उसमें थोड़ा सा जाएगा नमक, 1/4 टीस्पून, और इसको अभी हम मिक्सी में से ग्राइंड कर लेते हैं। देखते हैं हुआ कि नहीं। ये हो चुका है, गुड़ अच्छी तरह से उसमें पिघल गया है, मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें जाएगी 1 टीस्पून इलायची पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इससे एक अलग ही स्वाद आता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो भी आप डालकर देखिए कितना अच्छा लगता है। ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेट रेडी, आप ये फ्रीजर में रख सकते हैं। आपको क्या करना है, फ्रीजर में से निकालना है, ग्लास में इसको 2 टेबलस्पून डालना है और उसके ऊपर पानी डाल देना है, तो आपका पना रेडी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे पना बनाते हैं। आम पना तैयार है और अचानक से बाहर गर्मी शुरू हो गई है तो मुझे अभी पीने का मन कर रहा है और मैं ये पीने वाली हूँ। आप ये बनाइए, हमें कमेंट्स कीजिए और टेस्टी सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।